हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जो बड़े बड़े वाली जो ककड़ी होती है उसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये देखिए, आज मैं देसी स्टाइल से इस ककड़ी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये तो आपने ज़रूर देखी होगी, मार्केट में भी आसानी से मिल जाती है और राजस्थान में तो सबको पता है, क्योंकि ये जो बड़ी ककड़ी है जो काचरी होती है तो उसका बड़ा रूप है ये, जिसको मैंने ऊपर से छिलका उतार लिया है और उसके बीज थे वो भी मैंने निकाल दिए हैं और उसको कट कर लिया छोटे छोटे पीसेस के अंदर। और इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको मैंने कट कर लिया है, और ये लेंगे 2 से 3 हरी मिर्ची लेंगे जिसको हम कट कर लेंगे। इसके अंदर हम टमाटर नहीं डालेंगे क्योंकि ये वैसे ही खट्टी होती है, इसलिए इसके अंदर टमाटर डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, कढ़ाई के अंदर सबसे पहले ऑयल डाल दिया। ऑयल के बाद में मैंने यहाँ पे गर्म होने के बाद में जीरा, और जीरा अच्छे से पकने के बाद में मैंने प्याज और हरी मिर्ची एक साथ डाल दिए हैं। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करना है, जब तक कि प्याज का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए तब तक हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो ये देखिए, हमारे प्याज और हरी मिर्ची बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर ककड़ी डाल दी है और हमें ककड़ी को भी अच्छे से मिक्स करना है। तो इसकी सब्ज़ी यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी ये मार्केट में भी हर जगह आसानी से मिल जाती है, तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बच्चों को भी सबको बहुत अच्छी लगेगी और खानी भी चाहिए क्योंकि इनका सीज़न होता है, एक सीज़न में ही मिलती है ये। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ककड़ी को अच्छे से फ्राई कर लिया है, लगभग 2 से 3 मिनट के बीच मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। बस अब हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले। तो मैंने यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच यहाँ पे नमक। तो हल्दी और नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक का टेस्ट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कम या ज़्यादा, जितना आपको पसंद है उतना। तो ये देखिए, जो हल्दी का कलर है वो कितना अच्छा आ गया है, पूरी सब्ज़ी के अंदर अच्छे से कवर हो चुका है, पूरी सब्ज़ी को कवर कर लिया है इसने, और नमक भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया इसके अंदर। अब हम इसके अंदर बाकी के सारे सभी मसाले डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है और 1 छोटी चम्मच ही मैं यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दूँगी। अब इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ये सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। फटाफट बनने वाली रेसिपी है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। तो ये देखिए, मैंने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। बट अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दूँगी क्योंकि ग्रेवी बहुत टेस्टी बनती है इसकी, खट्टी खट्टी बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे लगभग 4 छोटी चम्मच के करीब पानी डाल दिया है और पानी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से पकने देंगे। तो ये देखिए, अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और लगभग मैं यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकने दूंगी, हाई फ्लेम नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत जल्दी पक जाती हैं, जो अगर आप हाई फ्लेम पे पकाओगे तो ये गल जाएगी ज़्यादा। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे इसका ढक्कन उतार देती हूँ और पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है ग्रेवी में। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन का पेस्ट। तो ये देखिए, मैंने लहसुन का पेस्ट बना के रखा था, वो डाल देंगे और लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। लहसुन के पेस्ट से कोई भी सब्ज़ी हो, हर सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, बिना लहसुन के भी टेस्टी बनती है, बट लहसुन का तो बात ही कुछ और है। तो लहसुन भी आप एक बार जरूर ज़रूर डालना चाहिए लहसुन भी हमें। तो मैं यहाँ पे ढक्कन लगा के मैंने यहाँ पे इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। 2 से 3 मिनट तक बाद में हम देखते हैं कि हमारी सब्ज़ी है वो बन के रेडी हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से पक गई है ये सब्ज़ी। और इसकी ग्रेवी देखिए आप, कितनी अच्छी बनी है, घुली घुली सब्ज़ी बनी है हमारी और अच्छे से बिल्कुल गल चुकी है ये। तो चलिए, अब मैं इसको अलग बर्तन में निकाल देती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको अलग बर्तन में निकाल दिया है, हमारी जो ककड़ी की सब्ज़ी है वो बनके रेडी हो चुकी है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा चटपटी है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बार फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।